बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो इंग्लिश ग्रामर से लिया गया है, डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट। डायरेक्ट यानी कि सीधे किसी बात को कहना डायरेक्ट स्पीच बोला जाता है, और उसे जब कर्ता अपने शब्दों में कहे उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जैसे कि आपके लिखा हुआ है स्क्रीन पर, वक्ता की बात को ज्यों की त्यों कहना क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। वक्ता की बात को ज्यों की त्यों कह देना क्या है? डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच क्या है? जब रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट यानी कर्ता इस बात को अपने शब्दों में कहे उसे हम इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। जब अपने शब्दों में कहे, कैसे शब्दों में? अपने शब्दों में कहे तो हम उसे इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट जो बनाने के जो नियम हैं वो इस प्रकार हैं। चलिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस, रिपोर्टिंग वर्ब यानी पहला जो पहले कॉमा छोटा लगा होता है, कॉमे में जो लिखा रहता है रिपोर्टिंग वर्ब का टेंस प्रेजेंट में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, यानी पीछे जो इन्वर्ट कॉमा में लिखा होता है उसका टेंस नहीं बदलेगा, तथा बीच में दैट कंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। दोनों ही सेंटेंस को एक करने के लिए बीच में दैट कंजेक्शन का प्रयोग करेंगे। उदाहरण के लिए, राम कहता है सीता इज ए ब्यूटीफुल वुमेन। यहाँ हम एक चीज देखेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, राम सेस क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है। सीता इज ए ब्यूटीफुल वुमेन, ये क्या है? ये रिपोर्टेड स्पीच है। ध्यान से देखिए, ये इन्वर्ट कॉमा के अंदर बंद है। जो वाक्य इन्वर्ट कॉमा के अंदर बंद होती है उसे हम जो है रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो इस वाले टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब यह प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में होता है, ठीक है। बच्चे समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इसका आंसर क्या होगा, देखिए, राम कहता है, कंजेक्शन आपका दैट, राम कहता है सीता इज ए ब्यूटीफुल वूमेन, कि सीता एक सुंदर महिला है या औरत है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पर आते हैं, और भी एग्जाम्पल आपको देखने के लिए मिलेंगे। सिविल से आपने लिखा, पहली लाइन पर सिविल से ही इज ए डॉक्टर, तो ही ए डॉक्टर किसमें लिखा है बच्चों? आप समझ रहे होंगे, रिपोर्टेड स्पीच में, क्योंकि ये इन्वर्ट कॉमा लगे हुए हैं। इसका आंसर क्या होगा? सिविल सी, क्योंकि ये फ्यूचर में लिखा है इसलिए पीछे के टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बीच में केवल कंजक्शन दैट का इस्तेमाल किया जाएगा। चलते हैं, ही इज ए डॉक्टर। चलिए नेक्स्ट, यदि रिपोर्टिंग वर्ब वाले भाग में सेल से टू आए तो निम्नलिखित को बदल देंगे। कैसे बदलेंगे ये चेक करते हैं। सेस टू आता है तो टेल्स में, और से टू हो तो टेल में बदल देंगे, ठीक है। ध्यान देंगे बच्चे, बार बार इस वीडियो को देखेंगे और ध्यान देंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए, बिल से टू को बिल टेल में, सेल से टू को सेल टेल में, सेइंग टू को टेलिंग में, हैज सेड और कॉमा लगा हो तो, या हैव सेड लिखा हो, रहने दें, बिल्कुल वैसे ही रहने दें। हैज और हैव के साथ सेड टू का प्रयोग किया गया हो तो ध्यान रखें उसे हैज और हैव के साथ टोल्ड कर देंगे। क्या कर देंगे? टोल्ड। किसको? सेट टू को, ठीक है। इसके बाद बिल हैव टोल्ड कर देंगे किस चीज को? बिल हैव सेड को। बिल हैव सेड लिखा होता बिल हैव टोल्ड हो जाएगा, या सेल हैव टोल्ड हो जाएगा। एग्जाम्पल से हम समझने का प्रयास करते हैं। माई मदर इज सेइंग टू मी, मेरी माँ मुझसे कह रही थी। फादर इज बाथिंग, पिताजी नहा रहे हैं। तो आंसर क्या होगा? ये किसमें? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है,
रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है, ठीक है। तो ये वाले टेंस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो माई मदर इज इट सेइंग टू को किस में बदलने के लिए बोला था? आपको बताया था कि सेइंग टू को किस में बदलेंगे। जैसे आपका सेइंग टू ये लिखा है तो किस में बदला है? टेलिंग में। तो यहाँ भी हमने किस में बदल दिया? टेलिंग में। समझ में आया? सेइंग टू को टेलिंग में बदल देंगे, टेलिंग मी। फिर कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे और दोनों सेंटेंस को जोड़ देंगे, फादर इज बाथिंग। अगला है हमारा जो है तीसरा पार्ट। ऋषि विल सेइंग टू हर मदर, ऋषि अपनी माँ से कह रहा होगा। ये फ्यूचर का है, किसका है? फ्यूचर का, ठीक है। आई वन द मैच, आई वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। तो इसी चीज को हम कैसे कहेंगे? देखिए, ऋषि विल टेलिंग हर मदर, अपनी माँ से कह रहा, दैट कंजक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ही वन द मैच, चूंकि आई जो प्रोनाउन है वो बदल जाएगा किसमें? ही में। चलिए मैं प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन के नियम अभी नीचे लिखाता हूँ, आपको समझाता हूँ। अगला सेंटेंस देखिए, अगला सेंटेंस जब देखेंगे, लिखा है ही हैज टोल्ड मी, तो टोल्ड मी का हम टोल्ड मी ही कर देंगे, ठीक है। चलिए, यहाँ दोनों सेंटेंस कॉमा को उठाएंगे तो यहाँ पर आपको दैट लगाना होगा, तो आई ही के हिसाब से ही में बदल जाएगा, जो फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन जो है सब्जेक्ट के अनुसार बदले जाते हैं, ठीक है, जो सब्जेक्ट हमारा होता है उसके अनुसार, ठीक। चलिए, तो क्या हो जाएगा? दैट ही इज लेट। अब प्रोनाउन संबंधी परिवर्तन देख लीजिए। फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? आई, माई, माइन, मी, माई सेल्फ, या और वी, अवर, अस एंड अवर सेल्फ, ये जो हैं फर्स्ट पर्सन के हैं, ठीक है। चलिए, इनको कैसे बदलते हैं, ये किसके अनुसार बदले जाएंगे, ये ध्यान रखना है बच्चों। सेकंड पर्सन के प्रोनाउन कौन से होते हैं? यू, योर, यू, योर सेल्फ, योर सेल्फ, ये सेकंड पर्सन के प्रोनाउन होते हैं। और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ही, हिज, हिम, हिमसेल्फ, सी, हर, और हर, हर सेल्फ, दे, देयर, देम और देयर सेल्फ, ठीक है। ये हमारे साथ थर्ड पर्सन के होते हैं, समझ में तो आ रहे होंगे, ठीक है। पहले आप पर्सनों पर ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद रिपोर्टिंग, रिपोर्टिंग वर्ब के आई प्रोनाउन को कैसे परिवर्तित करें? फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदलते हैं, जो आगे का जो कर्ता होता है उसके अनुसार बदल देते हैं, जैसा कर्ता होगा उसमें बदल जाएगा। और सेकंड पर्सन के प्रोनाउन को हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्म के अनुसार बदलते हैं, जैसा रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट का कर्म होगा उसके अनुसार आपको बदल देंगे। चलिए, आपको चार्ट से और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन कभी नहीं बदलें, ये आपको ध्यान रखना होगा। केवल दो ही तरह के, यानी कि आई के प्रोनाउन जितने भी हैं, डब्ल्यू वी के प्रोनाउन जितने भी हैं, और यू के प्रोनाउन, यही बदलेंगे। आई और वी के प्रोनाउन सब्जेक्ट के अनुसार यानी कर्ता के अनुसार, और सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार, और थर्ड पर्सन के नो चेंज, ठीक है। चलिए, रिपोर्टिंग वर्ब में आए हुए कर्ता, रिपोर्टिंग स्पीच में देखिए, पहले अगर यहाँ आया ही या बॉय या कोई नाम आया है, तो आई को ही में, माई को हिज में, मी को हिम में, और माई सेल्फ को हिम सेल्फ में आप बदल दें, ठीक है। चलिए, इसको मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको समझाने का दूसरी तरीके प्रयास करता है। यदि यहाँ कहीं सी, गर्ल या लड़की का कोई नाम आया है, तो जो आई है वो सी में, माई है वो हर में, मी है वो हर में, और माई सेल पर वो हर सेल पर बदल जाएगा। चलिए, इसी के क्रम में और भी है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब में यू आता है, यू, ठीक है, अब यू का हमें देखना है कि यू एक है तो, या लड़का है या लड़की है, तो आप उस हिसाब से देखेंगे कि आई को ही में,
आई को सी में भी बदल सकते हैं, अगर लड़की है तो सी में बदल जाएगा, ठीक है। माई को हिज में या हर में बदल देंगे, मी को हिम में या हर में बदल देंगे, और माई सेल्फ को जो है हर सेल्फ में बदल देंगे। चलिए आपको ध्यान रखना है इन चीज़ों का और आप देखते रहें। अगला, ये आपका चार्ट दिया गया है, इस चार्ट के अनुसार आप बदल सकते हैं आई माई और मी को। यहाँ ही बॉय नाम आया है तो ही में, हिज में, हिम में और हिम सेल्फ में बदल देंगे। सी गर्ल वोमेन है तो आप सी में, हर में, इसमें बदल देंगे। आपको ये बदलने का पूरा प्रोसीजर लिखा हुआ है आपको बदल। योर यू ऐसे ही यहाँ पर ये रह गया है, इसमें डब्ल्यू ई बी, तो बी के भी प्रोनाउन इसी तरह से बदले जाएंगे। यहाँ लिखा है बी के प्रोनाउन, अगर यहाँ वी आया है और यहाँ पर यू आया है तो ये दे, तो यहाँ यू हो जाएगा, ठीक है। अच्छा बॉयस आया है तो दे हो जाएगा, गर्ल्स आया है तब भी दे हो जाएगा, देयर हो जाएगा, देम हो जाएगा, देम सेल्फ हो जाएगा, यू को छोड़ करके। और यू के प्रोनाउन में केवल यू का इस्तेमाल किया जाएगा, यू वाले प्रोनाउन सभी आएंगे। नेक्स्ट की अगले पहुंचते हैं। एग्जाम्पल हैं, लता सेज टू मी आई एम योर सिस्टर। लता कहती है मियन मुझसे, आई एम योर सिस्टर, मैं तुम्हारी बहन हूँ। हम यहाँ देखेंगे आंसर में लता सेज टू आया तो किस में बदलना चाहिए, टेल्स में। मियन मुझसे कहती है, कंजेक्शन आपने दैट लगा दिया। आई है वो लता के हिसाब से बदला जाएगा, तो लता कौन है, लड़की है, तो लड़की के लिए प्रोनाउन सी, और टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट में, तो ये भी सिंपल में रहेगा सी इज। अब योर आया है, योर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है जो मी के अनुसार बदला जाएगा, तो मी का अपना की अंग्रेजी क्या होगी, माई, जैसे योर सिस्टर तुम्हारी बहन, तो ये मेरी बहन हो जाएगी, तुम्हारी बहन का क्या जाएगा, मेरी बहन यानी माई सिस्टर में बदल जाएगा, ठीक। आपको ध्यान रखना है इस तरह से आपके बदलते जाएंगे। दूसरा, ही सेज टू राम, उसने राम से कहा, तो ये सेज टू किस में बदल जाना चाहिए बच्चों, टेल्स में बदल जाएगा और राम हो गया। और कंजक्शन, इन कॉमाओं को उठाएंगे तो कंजक्शन का दैट का इस्तेमाल आप कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद यू आया है तो यू काय के हिसाब से बदला जाएगा, राम के हिसाब से, या तो यहाँ आप राम लिख सकते हैं या राम का प्रोनाउन ही लिख सकते हैं। ये सिंपल, सॉरी, ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में है तो ये भी फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहेगा, लेकिन यू के साथ वर्ब का इस्तेमाल किया गया था, या ही के साथ वर्ब का इस्तेमाल नहीं होगा बल्कि बाद का इस्तेमाल होगा, एब्यूजिंग। अब मी है, मी का है कि सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हिम होगा। इस प्रकार से हम बदलना प्रारंभ करेंगे। चलिए आपको तीसरा, फादर बिल से टू, और बिल से टू को मैंने आपसे बताया था बिल टेल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टेल, ये इन में बदल जाएगा, ठीक है। कंजेक्शन आपका दैट लग जाएगा, क्या लगेगा, दैट। अब इसमें यू आया है, यू काय के हिसाब से बदलेगा, मी के हिसाब से, तो यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा आई। अच्छा, यू विल नॉट डू माई वर्क, तुम मेरा काम नहीं करोगे, तो यहाँ सेल हो जाना चाहिए, आई की जगह पर यहाँ सेल का इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। नॉट डू, अब देखिए यहाँ आया माई, तो माई का के फादर के हिसाब से अपना की अंग्रेजी क्या होगी, हिज हो जाएगी, ठीक है, इनमें बदल जाएगा, ध्यान से देखेंगे। इसके बाद आपका पांचवा आता है, चौथा, रानी इज सेइंग टू हर मदर, तो सेइंग टू हर मदर को क्या हो जाएगा, टेलिंग हर मदर हो जाएगा, कंजक्शन दैट का इस्तेमाल करेंगे। फिर हम देखते हैं, यह आया है माई फादर, तो माई किसके हिसाब से, रानी के हिसाब से, तो हर फादर हो जाएगा, क्योंकि अपना की अंग्रेजी है तो इसके अपना की अंग्रेजी हर होगी लड़की के लिए, टेंस प्रेजेंट सिंपल है, इज द बेस्ट, इज द बेस्ट हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला, मदर हैज सेड टू, अब देखिए सेड के बाद टू आया है,
तो टोल्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा मी, और कंजक्शन आपका डेट लगेगा। आई जो मदर के हिसाब से सी में बदल जाएगा, और बिल का या आई विल टीच यू, मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी, तो यहां पर आपका सेल होना चाहिए, क्योंकि वादा इरादा धमकी में सहायक क्रिया को उल्टी लगाया जाता है जब वादा इरादा धमकी हो। क्या चीज? वादा इरादा धमकी, ठीक है, इनमें इनका करते हैं उल्टा, या थोड़ा सा गलत हुए लेकिन मैं आपको सुधार के बता देता हूँ, या सेल हो जाएगा बिल्कुल, क्या हो जाएगा, सेल हो जाएगा इस जगह पर, सेल एस एच ए डबल एल, ठीक है टीच। अच्छा देखिए इसके बाद है यू, यू किसके, मी के हिसाब से, तो ये ऑब्जेक्ट है तो मी भी एक ऑब्जेक्ट है, आपका मी आ जाएगा। चलिए मैं इसको अब इतना ही वीडियो है, आगे का वीडियो में अगले लेक्चर में आपको समझाऊंगा, तब तक के लिए मैं आपसे समय लेता हूँ और अगला वीडियो बनाऊंगा, और भी जो भी कमियाँ हैं इन्हें निकालने का प्रयास करूँगा, ठीक है।